आज मैं आप लोगों को यहाँ पे ओल्ड फ्री फायर जो है गाइस, बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि हम लोग ओल्ड फ्री फायर में से जो ग्लाइडर मिस कर रहे हैं, हम लोग ओल्ड फ्री फायर में से ट्रेनिंग ग्राउंड मिस कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें जो है गाइस हम वापस चाहते हैं ओल्ड फ्री फायर में से। लेकिन एक चीज़ तो गाइस, आप लोग ओल्ड फ्री फायर में से जो हमारा नगीना था, जो रियल हमारे दिल के करीब थे, ठीक है, हमारे ओल्ड फ्री फायर के फ्रेंड्स, तो गाइज ये चीज़ हम लोग रियली मिस कर रहे हैं। इसी के वजह से गाइज मैं एक ही चीज़ यही एक चीज़ है उसके वजह से जो गाइज आज आप लोगों को गेम खेलने के लिए मन नहीं करता। और कस्टम है, और इस कस्टम में तीन लेजेंड्स खेल रहे हैं, और तीन लेजेंड्स को गाइज हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो है हमारे नईम आलम बांग्लादेश के लेजेंड, ठीक है, दूसरे एसके सब्बीर इंडिया के लेजेंड, इनका नाम बहुत ओपी था गाइस, ये कस्टम में वो भी खेल रहे, रियल एसके सब्बीर, उनके आईडी से कोई और बंदा नहीं खेल रहा है। हमारे थर्ड लेजेंड जो है गाइस हमारे, ये देखो गाइस, राकेश 007, ठीक है, राकेश 007 को कौन कौन बंदा जानता है, ये तीनों लेजेंड्स को कौन कौन बंदा जानता है मुझे बताना। मेन बात तो फ्री फायर में इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, जो हमारी फैमिली थी ना तीन सर्वर्स की, वही चीजों को गाइस हम लोग मिस कर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो का लाइक एम 50,000 लाइक्स होने वाला है, जो भी फ्री फायर ओल्ड प्लेयर है ओल्ड वाला फटाक से 50,000 लाइक्स करना। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, ठीक है। 3 साल पुराना कस्टम है और एक ही कस्टम में जो गाइस सारे के सारे लेजेंड्स खेल रहे हैं, ठीक है। और गाइस ये मेरा पुराना चैनल है एसेसिन गेमिंग, इस चैनल से भी गाइस मेरी बहुत ज्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसेसिन गेमिंग, ये चैनल पे मैं गिल्ड वॉर कराता था, अगर ग्लाइडर आता है या फिर ये चीजें आती है तो गाइस उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अपने पुराने दोस्त और पुराना फील फ्री फायर का अगर वापस आ जाए ना, तो गाइस बता रहा हूं फ्री फायर वापस उसी, जितने लोग पहले खेलते थे ना उतने लोग भी वापस खेलते थे। यहाँ पे देखो डीजे आलोक वाली लॉबी, जब डीजे आलोक आया था नया डीजे आलोक ट्रेन में हुआ करता था। ये जो लॉबी है गाइस, ये लॉबी देखो गाइस, ये देखो ये पूरी लॉबी, ठीक है, ये इस लॉबी के अंदर सारे लेजेंड्स खेल रहे हैं। आप लोग देखो गाइस, मैं भी हूँ, नया नैसिन मेरा पूरा नाम है, ठीक है, नया नैसिन जो राकेश 007 के साथ में। मॉकिंग बर्ड हमारे नेपाल से बहुत बढ़िया टीम लेके आए थे मॉकिंग बर्ड, ये भी बहुत सारे लेजेंड है। विलन वाइटी, ये भी गाइस इनका गेम भी बहुत तगड़ा हुआ करता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राकेश 007, नया नैसिन जो मेरा पुराना नाम था, नया नैसिन, साई एनके और पठान। और गाइस यहाँ पे हम लोग जो है ब्राजील में उतर रहे थे और राकेश भाई को किल चाहिए थे, तो राकेश भाई हमको कुछ बोल, तो राकेश भाई तो बात ही नहीं करते थे, राकेश भाई ने कभी बात नहीं की इस गेम के अंदर, ना किसी को उन्होंने वॉइस सुनाई अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे राकेश भाई बहुत प्रो प्लेयर हुआ करते थे और इनकी वॉइस के लिए लोग जो है पागल थे कि राकेश भाई की आवाज कैसा होगा, राकेश भाई क्या बात करते होंगे। राकेश भाई जो है गाइस यहाँ पे बहुत खतरनाक लेजेंड थे, वो जो है प्रीसाइज पे खेलते थे गाइस, मतलब डिफॉल्ट पे भी नहीं, ऐसे हेड लगाते थे ना भाई, आप लोग देख के पागल हो जाओगे, बहुत खतरनाक प्लेयर थे भाई राकेश भाई। तो राकेश भाई भी तैयार हैं, राकेश भाई तैयार फाइट होने वाला है हमारी टीम का। निकाल लिया MP40, वो बंदे तैयार रश मारने के, वो बंदा सामने, ओ अनम लमा, तो देखते हैं चारों के चारों बंदे चढ़ चुके हैं, और बंदा डाउन, गजब का डैमेज राकेश भाई का, एक नंबर M60 निकाली भाई ने हमारे, तो देखते हैं M60 से कितना डैमेज दे पाएंगे राकेश भाई। राकेश भाई ने बंदे को डाउन कर दिया यहां पे, क्या बात है ओ भाई, गजब की चढ़ाई करी इस टीम ने, कौन जीतेगा गाइस। अरे अरे पठान को पेल दिया पठान, ओहो सामने बंदा पठान भाग चला, पठान क्या कर रहा है। राकेश भाई निकाली अपनी MP40 डैमेज पड़ता हूं यहां पे, राकेश भाई अंदर जादू देखते हैं, ओ भाई MP40 चला राकेश भाई हमारे यहां पे, तो देखते हैं गाइस बंदे को मार पाएंगे राकेश भाई, ओ राकेश भाई घुस गए, राकेश भाई भाई यहां पे राकेश भाई उभर चुके हैं शायद, अरे 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 बंदे भाई राकेश भाई को मारा पूरा। अब नैन भाई के पास आते हैं, नैन के पास शॉटगन, देखते हैं क्या कर पाएगा, बदला ले पाएगा राकेश भाई का, तो देखते हैं यहां पे क्या होने वाला है। ओहो भाई खेलता था अभी कैसे, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल, मतलब मैं यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान देने लगा, इसलिए गाइस मेरा गेम प्ले अभी खराब हो गया, मतलब मैं गेम पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर सकता था, मैं कंटेंट पे ज्यादा फोकस करने लगा क्योंकि करियर पे ज्यादा फोकस करने लगा, उसके वजह से गाइस मैं थोड़ा सा गेम प्ले में थोड़ा सा ढीला हो गया, ठीक है। तो बंदा डाउन, क्या बात है, एक बंदा डाउन कर दिया यहाँ पे मुश्किल, ओ भाई एक नंबर okay. एक नंबर नैन की एंट्री का जब चलती, अरे अरे बंदा नैन डाउन हो चुका है यहाँ पे, साई कुछ कर, साई पूरी गाइस यहाँ पे को पेल दिया, यहाँ पे बहुत गंदा पेला है, टीएजी वाले आ गए यहाँ पे, टीएजी वाले आ गए गाइस, अब साई अकेला बचा, वो देखते हैं साई क्या कर पाएगा, साई की हेल्थ भी कम है, साई के टीएजी वालों ने यहाँ पे थर्ड पार्टी करी थी और टीएजी की टीम भी गाइस बहुत खतरनाक थी पहले, पड़ेगी यहाँ पे। और गाइस मैं यहाँ पे साई को बोल रहा था, साई भाग भाग यहाँ से, भाग बंदे आ रहे हैं, सर्वाइव कर, बहुत अच्छे किल से अपने पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या हो सकता है इस मैच में, साई बच पाएगा या बंदों को मार पाएगा, देखना होगा यहाँ पे। ओ भाई गजब का पेला, साई बचता है या मरता है, निपा देखो ये कहाँ छुप रहा है, देखो बंदे से बचने के लिए छुप कहाँ से रहा है, बेड के नीचे, बंदे इसको देखेंगे नहीं क्या यहाँ से, टीएजी आर्मी ने किसी को पेल दिया है, देखनी अच्छा टीएजी आर्मी की लड़ाई हुई यहाँ पे, टीएजी आर्मी ने पेल दिया है और एक बंदा बचा, वो देखते हैं क्या होने वाला गाइस। अबे टीएजी वालों को दिखाई नहीं साई यहाँ पे करके, लोल साई साई पता ही नहीं टीएजी, अरे दिख गया,
अरे दिख गया दिया साई को, साई को हेडशॉट दिया, शायद नेट चला गया साई का। तो भाई टीएजी आर्मी ने पूरा पेल दिया यहाँ पे। तो अब भाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो बंदे ढेर हो चुके हैं भाई। मॉकिंग बर्ड की टीम से लड़ाई हुई थी यहाँ पे, और चार बंदे देखते हैं भाई क्या करेंगे। भाई के पास है क्यूपिड स्कार, भाई के पास M10 भी है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। विशाल बॉस डाउन हो गए हैं, बहुत गलत रश करा इन्होंने, रश बहुत गलत कर दिया यहाँ पे एरोवर ने, पेल दिया। और साबिर भाई अकेले बचे हुए, तो देखते हैं क्या होने वाला है। साबिर भाई की टीम ने बहुत गलत रश करा है, कोई बात नहीं, देखते भाई गाइस क्या होगा इस मैच में। जो भी होगा भाई मार पाएंगे अकेले, अकेले बचे हुए यहाँ पे, तो देखते हैं गाइस क्या होगा इस मैच में। भाई सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये मैच। ओ भाई डैमेज दे दो भाई, स्कार से स्कार्ड डैमेज दे दो साबिर भाई, और डैमेज पड़ता हो भाई के लिए, गंदा डैमेज पड़ा है। चार हो गए शायद, भाई अकेले बचे हुए, तो देखते हैं भाई क्या होगा। गाइस ये देखो साबिर भाई का ओल्ड फॉन्ट, और साबिर भाई का ये सब कुछ बॉस करके ये है 76 लेवल हुआ करता था तब, 3 साल पहले 76 लेवल था साबिर भाई का। भाई शायद मॉकिंग बर्ड की टीम ने घेरा है यहां पे, नेप्रोस की टीम है यहाँ पे, और टीम आगे बढ़ती हुई है, मॉकिंग बर्ड आगे बढ़ती हुई। देखते हैं भाई साबिर भाई को मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे, या साबिर भाई किसी एक बंदे को लेके जाएंगे अपने साथ। ओ, साबिर भाई को मार दिया है गाइस यहाँ पे नेपाल की टीम ने, और डिसएडवांटेज की। और भाई इन लोगों को शायद जोन में फंस चुके हैं, लेकिन इनको अगर इनने शायद जिप लाइन ली तो दिक्कत हो सकती है। एक बंदे को डैमेज पड़ चुका है, विलन वाइटिंग आए हमारे। सो गाइस यहाँ पे क्या विलन वाइटिंग जोन के अंदर पहुंच पाएंगे और गेम निकाल पाएंगे? इनके लिए गेम बहुत ज्यादा हार्ड है गाइस, जोन बहुत छोटा होता हुआ, देखते हैं जीत पाएंगे यानी। अबे भाई 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 भाई, मेडिकेट लगाना होगा, मेडिकेट लगाना होगा भाई, मेडिकेट लगाना होगा। भाई की हेल्थ बहुत कम है विलन वाइटिंग भाई की, मुझे नहीं लगता शायद बच पाएंगे। हाँ, मुझे भी नहीं लगता बच पाएगा गाइस। किसको लगता है बचेगा या नहीं ये बंदा? विलन वाइटिंग बच पाएंगे या नहीं? वैसे तो नईम भाई की टीम भी बची है, नईम भाई की टीम भी बची है, शायद विलन वाइटिंग की टीम। तो गाइस क्या लगता है नईम भाई यहाँ से बुआ करेंगे? बांग्लादेश के लेजेंड गाइस कौन कौन यहाँ पे बांग्लादेश से, मुझे कमेंट करके बताना गाइस। थोड़ा फायदा ले सकती है लेकिन नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है। तो देखो ये वाला जो वीडियो है ना गाइस, बांग्लादेश से जो भी लोग देख रहे हो आपके सारे दोस्तों में बांग्लादेश वालों में शेयर कर दो, नेपाल से जो लोग देख रहे हो नेपाल वालों को भी शेयर कर दो, इंडिया से जो लोग देख रहे हो, क्योंकि गाइस इसमें जो है हमारा एक यूनिटी हुआ करता था। तो इस वीडियो का 30 के लाइक जरूर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, और पार्ट टू चाहिए मुझे कमेंट करके बताना। तो पार्ट टू चाहिए तो 30 के लाइक्स, ठीक है, और कमेंट्स भी करना पार्ट टू के लिए। टीम फायदे में है और असिशन बीच में है, तो मुश्किल हो सकता है किसी ना किसी एक टीम के लिए। अगर विलन वाइटिंग घूम जाते हैं पूरा, तो नई भाई की टीम बिल्कुल बीच में आ सकती है। तो मुझे लगता है ये जोन के ऊपर डिपेंड करता है और टीम के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग किस हिसाब से खेलते हैं। देखते हैं कौन सा टीम जीतने वाला है, जो भी हो फिलहाल देखना होगा क्या होता है। गाइस ये विलन वाइटिंग को हील करने का यहां पे कोशिश कर रहा है, मेडिकेट और भाई उनको हील करेंगे फटाफट। विलन वाइटिंग भाई आगे, देखते हैं गाइस आ पाएंगे या नहीं। ओ भाई क्या, कैसे गाइस ये बंदा आ पाएगा जोन के अंदर? देखो गाइस भाई इस टीम चल रहा है, स्पोर्ट का मैच चल रहा है, और देखो गाइस बढ़ता हुआ 32 सेकंड रह गए, भाई को आना पड़ेगा, बच पाएगा या नहीं, बच पाएगा या नहीं, डैमेज बढ़ता हुआ, मेडिकेट भी खत्म हो गई, और डैमेज एक नंबर भाई क्या बात है। इसे कहते हैं टीम वर्क, गजब का प्यार भरा भाई ने दिया एक नंबर भाई, क्या ही निकाला है भाई गेम। अशिशन बैठी हुई, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। मुझे लगता है अशिशन का हो सकता है यहाँ पे बहुत गंदा वाला सीन, उनका हो सकता है सैंडविच, लेकिन अशिशन आगे जा चुकी है। सामने नईम भाई की टीम, नईम भाई तैयार बैठे हुए हैं। ओके मुझे लगता है यहाँ पे भाई अब मजा आने वाला है आखिरी में, ये लोग ले जाएंगे विलन वाइटिंग, ले जाएंगे गंदा लेके जाएंगे, इनको पता नहीं चलेगा इनको कौन लेके गया, लेकिन ये गंदा ले जाएंगे शायद। देखते हैं फाइट होने वाला है गाइस, तीन टीमों का विनर कौन निकल के आने वाला है यहाँ पे। और गाइस ये ऐसा ही कस्टम मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए खतरनाक लेजेंड्स के, आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में चाहिए या नहीं आपको आगे। यहाँ पे तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। नहीं भाई पे थोड़ा फोकस मारते हैं, नहीं भाई को फोकस किया, नहीं भाई डैमेज दे दूं, एग्जिट चला दूं, नहीं भाई के पास क्या करनी है, कोई समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं भाई देखते हैं एग्जिट चला दूं, नहीं मालूम इनका मोमेंट स्पीड बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था नहीं मालूम का गाइस, इनके गेम प्ले में खुद फैन था नहीं भाई का। नहीं भाई भैया कर सकते हैं, सामने बंदा भाई के पास, देखते हैं नहीं भाई क्या करेंगे, और ये मैच बहुत शानदार होता। तो गाइस नईम आलम, राकेश 007 और इसके सबरीन, तीनों का नंबर जो है गाइस मेरे पास में फोन नंबर, कौन कौन चाहता है कि इन तीनों को बुला के एक रैंक गेम इनके साथ में खेलूं, ठीक है 30 के लाइक्स, ठीक है ट्राई करूंगा। ये तीनों मेरे स्टेटस वगैरह देखते हैं, और गाइस ये लोग मेरे कॉन्टेक्ट में है अभी भी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि गाइस रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि गाइस एक एक रैंक गेम इन तीनों के साथ खेलूंगा मैं, इसके सबीर और नईम आलम, राकेश 07 और विलन वाईटी भी, ठीक है। तो हुआ बंदा आ चुका है पास में, भाई ने निकाली अपनी MP40, बंदा शायद अंदर घुसेगा, तो देखते हैं क्या होने वाला है गाइस, कौन भुया करने वाला है। भाई तैयार हैं, एक बंदा डाउन भी पड़ा है, भाई ने नेट फेंका, ओ ओ ओ नेट देखो गाइस एकदम परफेक्ट नेट, डैमेज देते हुए यहां पे डैमेज देते हुए बंदा विलन वाईटी है गाइस, वो विलन वाईटी, और नेट देखो गाइस क्या ही नेट फेंका है, अभी क्या ही नेट फेंका है, ओ और यहां पे डाउन हो गए नहीं भाई डाउन हो चुके हैं यहां पे, बहुत गंदा रश मारा है यहाँ पे, शीट नहीं भाई को बचा पाएगा यानी बंदे, कूल की टीम ने, नहीं कूल की टीम बैठी हुई है, ये भाई विलन वाइटिंग की टीम ने रश मारा है बहुत गंदा वाला, और विलन वाइटिंग जा चुकी है, और भाई बंदों को बचाते हुए विलन वाइटिंग चलाई है, ग्लू बॉल लगाई, बंदा भाई गेम नहीं भाई
तो नॉक थे नईम भाई की टीम, तभी भी गेम पलट रही है भाई यहां पे। देखते हैं विलन वाइट से भाई, ओ भाई चला MP40 विलन वाइट भाई, अरे अरे विलन वाइट भाई को डाउन कर दिया यहां पे, पीछे से बंदा आ चुका है। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है इस मैच में, गजब का डैमेज पड़ता हुआ यहां पे भाई, विलन वाइट भाई को उठा लिया यहां पे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होता हुआ। तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, विलन भाई की हेल्थ बहुत कम है, तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, कौन जीतेगा ये मैच। और शायद कोई और टीम आ चुकी है, विलन वाइट टीम पर निकाली है MP40, अरे भाई नहीं भाई ने पेल दिया, बहुत गंदा पेला यहां पे, क्या बात है। तो नहीं भाई की टीम बच चुकी है पूरी, तीन बंदे बचे हुए हैं यहाँ पे, गजब का पेल तो हुए नहीं भाई, क्या पेला है नहीं भाई ने, एक नंबर भाई, क्या किल्स हुए देखो गाइस नहीं भाई के टीम के, तो गजब का पेल तो हुए नहीं भाई, चार किल कर चुके हैं इस बार टीम पूरी फुल फॉर्म में है, गजब का पेल तो हुए चार किल करें, एम बोर्ड भाई ने दो किल करें, नहीं भाई तैयार देखते हैं जो में निकलना चाहिए क्योंकि जोन जा चुका है और सामने इंडिया भूया करेगी या फिर बांग्लादेश बैठी हमारी एसोसिएशन की स्क्वाड, तो देखने क्या होगा, इन लोग सब तैयार जोन में है, तो मुझे लगता है मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, देखने गाइस क्या हो सकता है इस मैच में। नहीं भाई लगाई ग्लू वॉल, निकलना पड़ेगा, ओ भाई ओ भाई डैमेज पड़ा, बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ा, गंदा वाला नहीं भाई का टीम बंदे बहुत हाल, जब हम बच्चे थे गाइस तब ये नहीं भाई जो है सेट अप वॉल लगाते थे, देखो गाइस 3 साल पहले दो बंदे मर चुके हैं, दो बंदे एम बोर्ड भाई देखते कहां पे खत्म हो चुके हैं, तीन बंदे बचे, अरे पीछे से पड़ गया, बहुत गंदा पड़ा, बहुत गंदा पड़ा, एक हेडशॉट, क्या बात है, गजब का हेडशॉट दिया भाई, नहीं भाई बैठे हुए यहां पे, देखते नहीं भाई क्या करेंगे, नहीं भाई की हेल्थ बहुत कम है भाई, एक बंदा डाउन पड़ा हुआ है इनका, तो देखते हैं भाई बचा पाएंगे, बचा पाएंगे, टू वर्सेस टू होता है, नहीं भाई नहीं भाई अकेले नहीं भाई, भाई की हेल्थ बहुत कम है, बंदे आगे पीछे भागते हुए, नहीं भाई ने पूरी वाट लगाते हुए पूरी कोशिश करी यहां पे, देखते हैं क्या होता है, भाई बचा लो बचा लो अपने बंदे को, बचा लो फटाफट, भाई भाई लगाई मेडिकेट और बंदे को, देखते क्या होने वाला है, वो भाई एक बंदा मर चुका है, दो बंदे उठ चुके हैं, तो क्या बात है, तो भाई टू वर्सेस टू होता हुआ यहाँ पे, जिमी और सैम है सामने, तो देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो देखते कौन जीतेगा, डैमेज पड़ा डैमेज पड़ा, आओ भाई कार फाड़, सॉरी मतलब हेडशॉट दिया भाई, अरे ललित भाई क्या बोल रहे हो, एक नंबर हेडशॉट क्या है भाई, इतने फ्लो फ्लो में ललित भाई चले गए ना कि भाई गालियां देने लगे, दिया यार क्या ही बुया किया है गाइस। तो अगर आप लोगों को इसका भी पार्ट टू चाहिए गाइस ओल्ड फ्री फायर का, ठीक है, तो गाइस आप लोग लाइक जरूर करना फटाफट, 30K लाइक्स, और पार्ट टू चाहिए तो मुझे बताना, एक और गेम इसके बाद में बहुत बड़ा कस्टम है, बहुत पूरा लाइव स्ट्रीम है मेरे पास में, तो गाइस मैं उसका पार्ट टू गेम प्ले डालूंगा, ठीक है, ये ओल्ड लेजेंड्स का।